अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहरा जाहिद फॉर डिस्कवर पाकिस्तान। आज 22 फरवरी है और आज के दिन मनाया जा रहा है सऊदी अरब में सऊदी फाउंडिंग डे। आज हम मौजूद हैं सऊदी अरब के शहर अल कुबर में, इथरा अरामको सेंटर में, जो कि यहाँ की एक आइकॉनिक बिल्डिंग है। बहुत सारी सकाफ़ती इवेंट्स हो रही हैं, यहाँ भी बहुत सारे इवेंट्स हो रही हैं। मुमलकत के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इस दफ़ा भी पाकिस्तानियों ने भी बहुत शमूलियत की। आए कुछ पाकिस्तानियों से बात करते हैं। अच्छा, आप कुछ साल बाद आई हैं गालिबन सऊदी अरब, वैसे तो आप यहीं रहती थी शायद जी, जी। तो आपको कैसा लग रहा है ये इवेंट देख के, आज का दिन किस तरह से सऊदी अरब में अब ये लोग मनाना शुरू किया है इन्होंने 2-3-4 साल से, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ज़ाहिर है पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, लेकिन अब होता है। अब माशाल्लाह डेकोरेट भी बहुत किया है और न्यू जनरेशन जो है वो पूरे शौक से इस इवेंट को मना रही है, तो अच्छी बात है। अपने मुल्क का सब कुछ करना बनाना तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह इसको तरक्की दे, हमेशा कायम दायम रखे, हिफाजत। बहुत थैंक यू वेरी मच। कैसे आपको इवेंट्स कैसे लग रहे हैं? हाँ, जो ये फाउंडेशन डे है, जैसे ये योम तासीस भी कहते हैं, तो इस मौके पे जो सऊदी गवर्नमेंट है इन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किए और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ रखी हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे लिए एंटरटेनमेंट का सबब बन रहा है बल्कि इनके कल्चर को करीब से जानने का मौका भी मिल रहा है, तो जो कि ये बहुत खुशाइन बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।